will draw a chart for this number, right? If we'll draw a chart, how will we can draw a place value chart? From 5, it is it 5 only because the picture will be visit many. Next is 4. 4 के लिए the number will be 4, but जो इसके बाद का एक digit होता है उतने भी zero हम यहाँ पर place कर देते हैं. तो इसकी place value होगी 40. It means ये tens place पर है और इसकी place value होगी 40. The number is 7. 7 के place पर हम लिखेंगे the number will be 7 और जितने number इसके बाद है उतने zero हम इसके आगे लगाएंगे. यानी कि 700. The place value of 7 is 700. Next is 9. 9 की place value क्या होगी? 9 लिखेंगे. उसके बाद जितने भी number इसके पीछे हैं, उतने zero हम लगाएंगे. यानी कितने number हैं? 1, 2, 3. 3 0 लगा देंगे. तो जो इसकी place value होगी, वो होगी 9000. Next is number is 2. अब 2 की place value क्या होगी? 2 को पहले लिखेंगे. उसके बाद count करेंगे कि इसके पीछे कितने number हैं. 1, 2, 3, 4. कितने की जीरो हम इसके पीछे लगा दें. तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? अब इसको काउंट करके चेक करो. 1 stands 100,000, 10,000. इट मीन्स 20,000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इन द नंबर 29,735. तो ऐसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे और इसी तरह से हम इसके जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस द कोमास एंड राइट द नंबर नेम्स. कोमा इस नंबर पर कोमा कैसे पुट करेंगे? जब भी हमें कोमा पुट करना होता है तो हम पीछे से नंबर्स काउंट करते हैं. तो फर्स्ट कोमा जो हमारा लगता है वो 3 डिजिट के बाद लगता है. उसके बाद जितने कोमे लगते हैं वो 2 डिजिट के बाद लगते हैं. अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम हम ऐसे भी कोमा प्लेस करेंगे. फर्स्ट इज 1, 2, 3. कोमा हमारा कहाँ लगेगा? बिफोर 5, यानी 6 के बाद और 5 से पहले. अब 2 से पहले लगना चाहिए तो 1, 2, पर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है इसलिए हम यहाँ कोई कोमा नहीं लगाएंगे. अब इसको हमें नंबर नेम्स में लिखना है. तो नंबर नेम्स लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कौन सा डिजिट किस प्लेस पर है. 1, 10, 100, 1000, 10,000, यानी 76,000 के 76,000 500 goes. This is 100 place. 542. Okay, 542. Next question is question number 3. Write numerals. Question. अब हम इसे न्यूमरल्स यानी नंबर्स में लिखेंगे. क्वेश्चन इज 78,249. यानी ऐसे हमें लिखने के लिए हम एक छोटा सा चार्ट ड्रॉ करेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा डिजिट किस प्लेस पर आ रहा है. तो पहला होगा 1, 10, 100, 1000, 10,000. अब यहाँ नंबर्स पुट करके हम इजीली काउंट आउट कर सकते हैं कि हमारा नंबर क्या होता है. तो फर्स्ट इज 78,000. 1000 की प्लेस कौन सी है? 10,000. इसके लिए 78. 249. 100 की प्लेस पे लिखेंगे 2 और उसके बाद लिखेंगे 49. अब ये हमें क्लियर हो गया कि जहां पर जो डिजिट आना था वो हमने लिख दिया. तो 78,249. अब हम यहाँ पे इसको 78,249. फोर्थ क्वेश्चन इज प्लेसेस कप्स इन 1000 फिगर्स. अब इसमें से ये टेबल हमने बनाई हुई है आपके लिए. वंस पर कौन से डिजिट्स आते हैं? वंस पर कौन से नंबर्स आते हैं? वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. थाउजेंड्स पर 1000 एंड 10,000. लैक पर लैक एंड 10,000. तो इसी को देखते हुए हम देखेंगे कि 1000 के पीरियड्स में कौन कौन से नंबर्स हैं. 1000 और
थ्री डिजिट्स में आते हैं, विच कम्स आफ्टर द थाउजेंड पीरियड्स, जो थाउजेंड पीरियड्स के बाद आते हैं, तो कौन से आते हैं, लैक्स में आते हैं, यानी 10 लाख एंड लैक्स, तो हम यहाँ पे आंसर हमारा होगा 10 लाख. Okay.
जब इसमें हमने प्लस 100 किया, राइट, यानी कि 76,594 में अगर हम 100 प्लस करते हैं तो हमारा हो जाता है 76,694। ऐसे अगेन वी विल रिपीट, अगर हम 76,694 में 100 प्लस करेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा 76,794, राइट, यानी कि प्लस 100। फिर ऐसे प्लस 100 तो हमारा हो गया 76,894। फिर प्लस 100 तो हमारा हो गया 76,994। देन अगेन प्लस 100 तो हमारा हो गया 77। ये यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट नॉट टू वरी, आप इसको ऐड करके यहाँ पे चेक कीजिएगा, 76,994 प्लस 100 ऐड कीजिए, 4, 9 9 9 प्लस 1 10, यानी 10 का 0 कैरी 1 6 7 10 7, यानी 77,094, राइट, ओके। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स जस्ट कम्स आफ्टर 20,425, यानी 5 अगले नंबर सीक्वेंशियल जो इसके बाद आते हैं, यानी इनके बाद आगे क्या आएगा, 20,425 के बाद क्या आएगा, 20,426। यहाँ पे लिखा हुआ है 20,426, देन इसके बाद क्या आएगा, 20,427, 20,428, 20,429 एंड 20,430। These are the consecutive numbers just comes after 20,425, right? Now next question is question number 11. ये हमें एक नंबर दिया हुआ है जिसमें से पूछा गया है कि बताइए place value of 2. What is the place value of 2 in this number? Place value कैसे निकालते हैं? जैसे हमने first question में अपने निकाली थी, right? First question में हमने जैसे error लगा के निकाली थी, ऐसे हम इसमें निकालेंगे। तो 2 की place value क्या होगी? यहाँ से एरो लेंगे, लगाएंगे, लिखेंगे, इसके बाद कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, राइट? ये 4 नंबर्स के लिए हम यहाँ पर 4 0 मेंशन करेंगे, ओके? तो हमारा आंसर क्या होगा? Place value of 2 is 20,000, करेक्ट? Now this is the complete exercise of 1.1, जो भी इनके पार्ट्स हैं इसी से मिलते जुलते ये आप कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद आप इसको कंप्लीट एक्सरसाइज तो अपने नोटबुक में करेंगे,